Hi guys, welcome to Dental Philosophers. The topic of today is pre-prosthetic surgery. In this chapter number 13 from Tuckers, ठीक है? बहुत से लोगों ने कहा कि chapter 13 के बनाए, chapter 13 की बनाए. Basic सा chapter है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है. आपको सारी basics आनी चाहिए, definition आनी चाहिए, उसके objectives आने चाहिए, उसके बाद आपने patient को assess करना है कैसे, वो आना चाहिए. उसके बाद हमारे पास procedures आ जाते हैं. एक bony surgeries हैं और एक soft tissue surgeries हैं और कुछ advanced procedures हैं. इन procedures की आपको सिर्फ steps आने चाहिए और इनका like reason के क्यों करते हैं, कब करते हैं, ठीक है, ये आना चाहिए और उसके स्टेप्स आने चाहिए. दैट्स इट. इस चैप्टर में like बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड लिखा हुआ है, लेकिन आपने वो सारा नहीं करना. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जिकल एंड प्रोस्थेटिक टेक्निक्स दैट इज़ यूज टू रिस्टोर ओरल फंक्शंस एंड फेशियल फॉर्म दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एब्सेंस और लॉस ऑफ टीथ एंड इट्स एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, जो कि किसी भी डिजीज़ या ट्रामा की वजह से हो सकती है. सिंपल डेफिनेशन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें. नेक्स्ट, इसी चैप्टर में जहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ऑफ लोकल एंड जनरल फैक्टर्स फॉर बोन रिजॉर्प्शन. बोन रिजॉर्प्शन के कुछ लोकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ जनरल फैक्टर्स होते हैं. लोकल फैक्टर्स लाइक एल्वियोप्लास्टी टेक्निक्स, डेंचर वेयरिंग एक्सेट्रा, और कुछ जनरल फैक्टर्स लाइक न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस, सिस्टेमिक डिजीजेस, बोन डिजीजेस लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, कई एंडोक्राइन कंडीशन है उसकी वजह से. अब इन दोनों फैक्टर्स के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं? इंक्रीज्ड एल्वियोलर रिज, इंक्रीज्ड लॉस ऑफ एल्वियोलर रिज, इंक्रीज इंटर आर्च स्पेस, इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस इन द एडजेसेंट टिश्यूज, पुअर प्रोस्थेटिक फेस फिट, रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस मैंडिबुलर फ्रैक्चर, और उसके अलावा डिक्रीज्ड रिटेंशन ऑफ प्रोस्थीसिस. ये कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं ऑफ बोन लॉस, बोन रिजॉर्प्शन. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी इज टू क्रिएट प्रॉपर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स on which we can place a prosthetic appliance. अब ये तो उन्होंने बता दिया कि डेंचर सपोर्ट के लिए जो टिश्यूज़ हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए. अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं नॉर्मल टिश्यू के, क्या क्या होना चाहिए. कोई इंट्रा ओरल या एक्स्ट्रा ओरल पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए. इंटर आर्च जॉ रिलेशनशिप्स प्रॉपर होने चाहिए इन ऑल थ्री डायमेंशंस, एंट्रोपोस्टीरियर, ट्रांसफर्स एंड वर्टिकल. एल्वियुलर प्रोसेस दैट आर एज लार्ज एज पॉसिबल, और उनकी कन्फिग्रेशन जो है वो प्रॉपर यू शेप्ड होनी चाहिए. कोई बोनी प्रोट्यूबरेंसेज नहीं होनी चाहिए, कोई अंडरकट्स नहीं होने चाहिए. पैलेटल वॉल फॉर्म एडिकेट होनी चाहिए. ट्यूबरोसिटी नॉचिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए. एडिकेट केराटिनाइज्ड म्यूकोसा शुड बी प्रेजेंट. वेस्टिबुलर डेप्थ नॉर्मल होनी चाहिए. एरिड स्ट्रेंथ वेयर मैंडिबुलर फ्रैक्चर में अकर, क्या है कहीं पे बोन वीक है या कहीं पे थिन है या कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे हमें और स्ट्रेंथ चाहिए ताकि बोन फ्रैक्चर ना हो. प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरोवैस्कुलर बंडल्स, सारी नर्व्स और वेसल्स जो हैं वो कवर्ड होनी चाहिए, एक्सपोज्ड नहीं होनी चाहिए ओरल कैविटी में बोन रिजॉर्प्शन की वजह से. एडिकेट बोनी सपोर्ट एंड अटैच्ड सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग टू फैसिलिटेट इम्प्लांट प्लेसमेंट. बोनी सपोर्ट शुड बी सफिशिएंट एंड बोनी एज वेल एज सॉफ्ट टिश्यू सपोर्ट शुड बी सफिशिएंट टू प्लेस एन इम्प्लांट. उसके बाद आता है पेशेंट इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट. इसमें बेसिक हेडिंग्स आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, चीफ इलनेस, मेडिकल हिस्ट्री, डेंटल हिस्ट्री. फिर एग्जामिनेशन पे आते हैं तो हम सॉफ्ट टिश्यूज़ एग्जामिन करेंगे और हार्ड टिश्यूज़ एग्जामिन करेंगे. सॉफ्ट टिश्यूज़ में उसकी क्वालिटी, अमाउंट ऑफ केराटिनाइज टिश्यू, वेस्टिबुलर एरिया की डेप्थ कर सकते हैं, हाइपरमोबाइल टिश्यू, मसल अटैचमेंट्स की हाइट चेक कर सकते हैं, मतलब कि किधर उनकी अटैचमेंट ज़्यादा डीप तो नहीं है या ज़्यादा शैलो तो नहीं है. उसके अलावा हम वेस्टिबुलर डेप्थ चेक करते हैं, मसल मूवमेंट्स. उसके अलावा हम जब हार्ट टिश्यू चेक करते हैं उसमें हम बोन रिज देखेंगे, अंडरकट्स, प्रोट्यूबरेंसेस, पैलेटल वॉल्ट, ट्यूबरोसिटी नॉचिंग, और लोकेशन ऑफ मेंटल एंड मैंडिबुलर फोरामेन देखेंगे, म्यूकोसल मसल अटैचमेंट्स देखेंगे, इंटर आर्च रिलेशनशिप्स और स्केलेटल एसिमेट्रीज देखेंगे, और सुप्रा रेपेटेड या मैल पोजिशन टीथ डेंटिशन भी एक दफ़ा चेक करेंगे कोई मैल पोजिशन टीथ तो नहीं है. उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रेडियोग्राफिक एवेल्युएशन करेंगे, ओपीजी, सीटी स्कैन एंड सेफ कराएंगे, डायग्नोस्टिक मॉडल्स पे उसको माउंट करके आर्टिकुलेटर में माउंट करेंगे. उसके बाद हम ट्रीटमेंट प्लानिंग करेंगे और लॉन्ग टर्म पेशेंट मेंटेनेंस होती है प्री प्रोस्थेटिक सर्जिकल प्रोसीजर्स में. क्लासिफिकेशन आ जाती है हमारे पास. क्लासिफिकेशन में बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं और कुछ एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है. अब कुछ प्रोसीजर्स हैं लाइक एल्वियोलर रिज करेक्शन प्रोसीजर्स हैं, कुछ एल्वियोलर रिज एक्सटेंशन प्रोसीजर्स हैं, और कुछ एल्वियोलर रिज ऑगमेंटेशन. ऑगमेंटेशन मतलब एडिशन.
एक्सटेंशन मतलब उसको एक्सटेंड करेंगे, और करेक्शन मतलब कोई शार्प बोनी एरियाज है तो उनको करेक्ट करेंगे, या एक्सेसिव सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनको रिमूव करेंगे, इस तरह करेक्टिव जो है वो प्रोसीजर्स आएंगे। फिर आते हैं हमारे पास बोनी सर्जरीज, जिसमें एल्वियोलेक्टमी, एल्वियोलोप्लास्टी, एल्वियोलोप्लास्टी की आगे टाइप्स होती हैं, जीनियल ट्यूबरकल रिडक्शन, माइलोहायड रिज रिडक्शन, अनफेवरेबल अंडरकट्स, एग्जोस्टोसिस, टोराई और मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी रिडक्शन, ये सारी बोनी सर्जरीज हैं। और कुछ सॉफ्ट टिश्यू सर्जरीज होती हैं लाइक मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी सॉफ्ट टिश्यू रिडक्शन, लैटरल पैलेटल एक्सेसिव सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, और फ्रिनेक्टमीज आ जाती हैं, लेबियल फ्रिनेक्टमी, लिंगुअल फ्रिनेक्टमी, उसके अलावा एप्यूलस फिशरेटम आ जाता है, इन्फ्लेमेटरी पेपिलरी हाइपरप्लेजिया आ जाता है, और इस तरह की लीजन्स आ जाती हैं जो आगे हम जिनके प्रोसीजर्स डिस्कस करेंगे। और इनके अलावा कुछ एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें से फॉर प्रॉफ दो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लिप स्विच प्रोसीजर और एक सेमीकॉजल वेस्टिबुलोप्लास्टी। नेक्स्ट इज रिकंटोरिंग एल्वियोलर रिज प्रोसीजर्स, जिसमें एल्वियोलोप्लास्टी और उसकी टाइप्स आते हैं। एल्वियोलेक्टमी, एल्वियोलेक्टमी इज द सर्जिकल रिमूवल या ट्रिमिंग ऑफ द एल्वियोलर प्रोसेस आफ्टर अ सिंपल एक्सट्रैक्शन, यानी शार्प एरियाज ऑन द क्रेस्ट ऑफ द रिज और ऑन द बकल और लिंगुअल क्रेस्ट और इंटरसेप्टल क्रेस्ट पे कोई भी शार्प एरिया रह जाए तो उसको हम बोन फाइल या बोन रॉन्जर से जो है वो हम स्मूथ कर देते हैं, और इसको हम एल्वियोलोप्लास्टी इज डिफाइंड एज द सर्जिकल रिकंटोरिंग ऑफ द एल्वियोलर प्रोसेस दैट इज डन टू रिमूव एनी शार्प बोनी प्रोजेक्शंस और शार्प क्रेस्टल बोन और अंडरकट्स टू गिव बोन अ स्मूथ फिनिश। टाइप्स ऑफ एल्वियोलोप्लास्टी, एल्वियोलर कंप्रेशन सिंपल आफ्टर सिंपल एक्सट्रैक्शन एल्वियोलोप्लास्टी, डीन्स और इंटरसेप्टल एल्वियोलोप्लास्टी, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीन्स एल्वियोलोप्लास्टी इज ऑफ वेगेसर्स टेक्निक। The most simplest form of the alveoloplasty consists of compression of the lateral walls of extraction socket after simple tooth extraction that we perform in everyday lives in our clinics. As described previously, alveoloplasty is the surgical recontouring of the alveolar process. Ab jo procedure aayega wo simple alveoloplasty ka aayega, and its indication is a patient undergoing extraction whose bone is prominent and dense. First of all, a mucoperiosteal incision is made along the crest of the ridge, then envelope flap is raised. If required, vertical incisions are made, if required, for adequate visualization and access to the area. Excessive flap reflection also can cause devitalized area, so flap should be raised as required. After exposure, recontouring can be done by using a Ronger, bone file or bone burr in a handpiece. Copious saline irrigation should be continued throughout the procedure to reduce the heat produced and to prevent the bone necrosis that can occur as a result of heat. And after that, the edges of the flaps are trimmed and the flaps are reapproximated and sutured with continuous or interrupted suture. Intraseptal alveoloplasty or Dean's alveoloplasty. It is a alveoloplasty procedure that is performed at the time of extraction when ridge height and contour is normal, regular ridge contour, normal ridge height, but there is a undercut present in the labial vestibule. To remove that undercut, we perform Dean's alveoloplasty. The advantage of this procedure is that labial prominence is reduced without reducing the height of the ridge. Periosteal attachment to the bone is maintained and the chance of post-operative bone resorption is reduced, and muscle attachment remains undisturbed at the end of procedure. But there is a one disadvantage, that is ridge thickness is reduced. Due to reduced ridge thickness, we cannot place implant in future. It precludes the placement of an implant. First of all, after extraction, minimal elevation of the mucoperiosteal flap, then removal of interseptal bone by using a fissure burr and a hand piece. उससे फिशर बर से हम क्या करते हैं, विद इन अ हैंड पीस हम इंटरसेप्टल बोन को कट करते हैं. देन रॉन्जर इज यूज टू रिमूव द इंटरसेप्टल बोन. डिजिटल प्रेशर इज देन यूज टू फ्रैक्चर द लेबियल कॉर्टेक्स इन पैलेटल डायरेक्शन, एंड इन दिस वे लेबियल अंडरकट इज एलिमिनेटेड विदाउट रिड्यूसिंग द वर्टिकल हाइट ऑफ द रिज. और वेगेसस मॉडिफिकेशन ऑफ डीन्स टेक्निक, इन दिस टेक्निक बोथ लेबियल एंड पैलेटल कॉर्टिसेस आर रीपोजिशन. इट इज़ डन व्हेन ओवरजेट इज़ टू ग्रॉस दैट ओनली लेबियल प्लेट रीपोजिशनिंग इज़ नॉट सफिशिएंट. तो दोनों लेबियल और कॉर्टिकल प्लेट्स को रीपोजिशन करते हैं बाई फ्रैक्चरिंग इट एट इट्स बेस. दिस प्रोसीजर इज सेम एज डीन्स एल्वियोलोप्लास्टी, बट इन एडिशन द एडिशन इज पैलेटल प्लेट एज वेल एज लेबियल प्लेट बोथ आर फ्रैक्चर एट इट्स बेस टू रिड्यूस द ओवरजेट. And mostly done interiorly.
मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी रिडक्शन, एक्सेसिव टिश्यूज इन मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी मे बिकम सो लार्ज दैट इट इंटरफेयर्स विद द डेंचर कंस्ट्रक्शन, इट इम्पिंज ऑन द मैंडिबल ड्यूरिंग मैस्टिकेशन एंड डेंचर कैन नॉट बी इंसर्टेड, इट इज़ बोनी एक्सेस ऑफ ऑन मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी. Complications of tuberosity reduction, expanded tuberosity in proximity to sinus. Sometimes the tuberosity area is expanded up to the maxillary sinus, so there can be a complication during the surgical procedure. So it should be done carefully. First of all, local anesthesia, then incision along the crest of ridge distally to the superior extension on maxillary tuberosity area, then elevate the mucoperiosteal flap and Ronger is used to eliminate the excessive bone. Then the tissues are reproximated and sutured with continuous suture technique. Buccal exostosis. Buccal exostosis are more common in maxilla than in mandible and it also interferes in denture construction. So that's why we need to remove them. Procedure to remove buccal exostosis. First of all, anesthesia, 1 to 1.5 cm incision beyond each end of area requiring recontouring. Then full thickness mucoperiosteal flap is raised, vertical incisions if necessary. Then if the irregularity, if the buccal exostosis is large, we will use a Ronger to remove it. And if it is small, then we will use bone file to remove it. Then soft tissues are readapted and sutured. We can use continuous or interrupted suture. Now, what is the procedure of removing buccal undercuts? A vertical incision is made on the interior side of the ridge. Then subperiosteal tunnel is developed up to the depth of undercut. Then graft material is inserted in that area and bone will grow there. The graft material is then covered with resorbable membrane. Graft material is contained within the boundaries of subperiosteal tunnel and then it is covered with a resorbable membrane. Simple procedure. Lateral palatal exostosis can also cause interference in construction of denture and narrowing of palatal vault. The technique to remove it is local anesthesia, then crestal incision is made from the posterior aspect of tuberosity up to the extending up to the exostosis, then reflecting the mucoperiosteum and removal of excessive bone by using a bone file, saline irrigation and then suturing. Myelohyoid ridge reduction. It is done when myelohyoid ridge is sharp, it interferes with denture construction and it is painful. It can cause discomfort. First of all, inferior alveolar nerve block and lingual nerve block, then linear incision is given on the crest of posterior mandible. Now raise full thickness mucoperiosteal flap. Myelohyoid uske niche flap ke niche myelohyoid muscle attachment hoti hai. We will cut myelohyoid muscle attachment with a sharp knife. Then we will remove sharp bone with the help of Ronger and then we will smoothen the bone with a bone file and reapproximate the tissues and suture it and immediately we will place denture which helps to facilitate more inferior attachment of muscle, myelohyoid muscle. For sharp genial tubercle removal, first of all local anesthesia, infiltration and bilateral lingual nerve blocks. Phir hum crestal incision denge from each premolar area to the midline of the mandible. Full thickness mucoperiosteal flap is raised, then genioglossus, uske niche genioglossus muscle hota hai, genioglossus muscle attachment is removed with a sharp knife. Then we will smooth the irregularity, sharp tubercle with a Ronger or a bone burr. Tissues are then reapproximated and sutured and genioglossus muscle is left to attach in random fashion. Palatal torus removal. First of all, a midline incision is given in that area, then anteroposterior oblique releasing incision are given. They are given both anteriorly and posteriorly oblique releasing incision. Mucoperiosteal flap is elevated and it is retracted with the help of silk suture to improve access to the area. A fissure burr is then used to section the palatal torus and it is then removed by the help of small osteotomes. Then a large bone burr is used to provide a final desired contour to that area to remove any irregularities to smoothen the area. And then the tissues are reapproximated and sutured. After block local anesthesia administration, hum kya karte hain? Ballooning of म्यूकोपेरियोस्टियम करनी होती है. बेलूनिंग ऑफ थिन म्यूकोपेरियोस्टियम कैसे करते हैं? इट इज़ अकम्प्लिश बाय प्लेसिंग द बेवल ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक नीडल अगेंस्ट द टॉरस एंड इंजेक्टिंग लोकल एनेस्थीजिया सब पेरियोस्टली.
Now, after local anesthesia administration, crestal incision is made. Then we elevate the mucoperiosteal flap and a fissure burr is used to create a small trough between the ridge and the torus, like shown in the figure. Then a small osteotome is used to completely remove the bone. और फिर बोन बार से हम इरेगुलरिटीज़ को रिमूव करते हैं, बोन को स्मूथ कर देते हैं, टिश्यूज़ री अप्रॉक्सीमेटेड एंड सूचर्ड. इट इज़ वेल एक्सप्लेन्ड इन द फिगर. अब हैं सॉफ्ट टिश्यू एबनॉर्मेलिटीज़. आगे जितने भी प्रोसीजर्स आएंगे वो सॉफ्ट टिश्यूज़ के हैं. सबसे पहले मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी रिडक्शन, मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी रिडक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़. लोकल एनेस्थीजिया फिर एलिप्टिकल इंसीजन देते हैं ओवर द ट्यूबरोसिटी एरिया और टिश्यू को, वो जो टिश्यू जहाँ पे इंसीजन देते हैं उस टिश्यू को रिमूव कर देते हैं. फिर उसके मीडियल और लैटरल मार्जिन पे हम एक्सीजन देते हैं टू थिन, ताकि वो एक्सेसिव सॉफ्ट टिश्यूज़ वहाँ से रिमूव हो जाएँ और म्यूकोज़ा थिन हो जाए. फिर डिजिटल प्रेशर से जब हम उसको रीअप्रॉक्सीमेट करते हैं तो वो और थिन हो जाता है और अप्रॉक्सीमेट हो जाता है अलॉन्ग द बोन. और अगर ज़्यादा टिश्यू रिमूव कर दिए तो फिर हम सूचरिंग करते हैं. अगर डिजिटल प्रेशर से नहीं अप्रॉक्सीमेट हो रहे टिश्यूज़ तो फिर हम सूचरिंग करते हैं. रीट्रोमोलर पैड रिडक्शन, इसमें जो एक्सेसिव टिश्यू रीट्रोमोलर पैड में उसको रिमूव करते हैं लोकल एनेस्थीजिया देके, एक एलिप्टिकल इंसीजन देते हैं और उसके बाद ट्रिम करते हैं हम मार्जिन से. फेशियल एस्पेक्ट से हम ज़्यादा टिश्यूज़ रिमूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू लिंगुअल एस्पेक्ट, बिकॉज लिंगुअल एस्पेक्ट पे नर्व्स होती हैं तो देर इज़ अ चांस ऑफ डैमेजिंग द लिंगुअल आर्टरी एंड नर्व. दैट्स वाई द टिश्यूज़ आफ्टर दैट एक्सेसिव टिश्यूज़ आर रिमूव्ड एंड देन द टिश्यूज़ आर रीअप्रॉक्सीमेटेड एंड सूचर्ड. Lateral palatal excessive soft tissues. So first of all, local anesthesia is administered anterior to the soft tissue mass in the area of greater palatine nerve. Then a scalpel blade is used in tangential manner to remove only superficial layers of the mucosa and its underlying fibrous tissue. After the removal of these layers, a necessary bulk of soft tissue is removed. The amount of soft tissue removed must be sufficient टू रिमूव द सॉफ्ट टिश्यू अंडरकट. मतलब इतना आपने टिश्यू रिमूव करना है कि सॉफ्ट टिश्यू अंडरकट रिमूव हो जाए. उसके बाद एक सर्जिकल स्प्लिंट यूज़ कर लगा देते हैं, दे देते हैं पेशेंट को, दैट इज़ लाइंड विद टिश्यू कंडीशनर फॉर 5 to 7 days टू एड इन हीलिंग. अनसपोर्टेड हाइपरमोबाइल टिश्यूज़, एक्सेसिव हाइपरमोबाइल टिश्यूज़ ऑन द एल्वियुलर रिज क्रेस्ट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन. जितनी ज़्यादा बोन रिजॉर्प्शन होगी उतनी ज़्यादा एक्सेसिव सॉफ्ट टिश्यूज़ होंगे. अब इसमें यह करना है टू पैरेलल फुल थिकनेस इंसीजन आर मेड ऑन बकल एंड लिंगुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द एल्वियुलर रिज एंड देन द पोर्शन ऑफ द एक्सेसिव सॉफ्ट टिश्यूज इज एक्साइज्ड बाई यूजिंग अ पेरिओस्टियल एलिवेटर. Soft tissues are removed from the underlying bone with the help of periosteal elevator, and there is a one possible complication of this procedure that it can obliterate the vestibular depth, buccal vestibular depth. Inflammatory papillary hyperplasia can be removed by using 3 techniques if its size is minimally enlarged. Electrosurgical or laser technique can be used. If it is a large mass, an extensive mass, then simple excision with reapproximation of tissues. And if there is gross redundant tissues found in that area, then excision of the epilutes with peripheral mucosal repositioning and secondary epithelialization. A thick band of fibrous tissue covered with mucosa is frenum, and procedures in which we remove frenum is frenectomy procedures. Labial frenum extends from lips and cheeks to labial mucoperiosteum. There are 4 techniques for labial frenectomy: simple excision technique, Z-plasty technique, localized vestibuloplasty with secondary epithelialization, and laser-assisted frenectomy. सिंपल एक्सीजन ऑफ लेबियल फ्रीनम, मैक्सिलरी लेबियल फ्रीनम. सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया इन्फिल्ट्रेशन देंगे, देन इवर्जन ऑफ द लिप एंड टू एक्सपोज द फ्रीनल अटैचमेंट एरिया. देन वी विल सिंपली एक्साइज द लेबियल फ्रीनम अलॉन्ग इट्स लैटरल मार्जिन्स. द टिश्यूज आर रिमूव्ड एक्सपोजिंग द अंडरलाइंग पेरिओस्टियम. Then we place a suture through the mucosal margins and periosteum, and we close the mucosal margins at the depth of vestibule so that it does not interfere in denture construction and adaptation. Next is Z-plasty technique. सबसे पहले इसमें local anesthesia infiltration देंगे और simply excise करेंगे fibrous connective tissue यानी labial frenum को. Then 2 oblique incisions are made on each end of the previous incision. Previous incision जो first figure में है. फिर 2 oblique incisions देंगे on each end of the incision such that they make a Z. They make a Z. Z for zebra.
That's why it is also called Z-plasty technique. Now, two pointed flaps are then undermined. जो पॉइंटेड फ्लैप्स हैं उनको अंडरमाइन करेंगे और उनको ऐसे रिटेट करेंगे दैट दे क्लोज द इनिशियल वर्टिकल इंसीजन हॉरिजॉन्टली. लाइक वो जो अंडरमाइंड फ्लैप्स हैं वो हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, वो हॉरिजॉन्टली आएंगे ऑफ द वर्टिकली प्लेस्ड इंसीजन जो हमने सबसे पहले दिया था. उसके बाद जो हमने दो स्मॉल ऑब्लिक एक्सटेंशंस दिए हैं, जो इंसीजंस दिए हैं, उसको भी क्लोज करना है. और इस तरह जो है ये जी प्लास्टी टेक्निक है, इसका फ़ायदा ये है कि वेस्टिबुलर डेप्थ प्रिजर्व रहती है, वेस्टिबुलर डेप्थ अंडरमाइन नहीं होती इस प्रोसीजर में. नेक्स्ट टेक्निक इज लोकलाइज्ड वेस्टिबुलर प्लास्टी विद सेकेंडरी एपिथेलियलाइजेशन. इट इज़ इंडिकेटेड व्हेन द बेस ऑफ रीनल अटैचमेंट इज एक्सट्रीमली वाइड. फॉर एक्सट्रीमली वाइड बेस ऑफ रीनल अटैचमेंट, इन दोज केसेज वी विल यूज़ दिस टेक्निक. अच्छा, इस टेक्निक में सबसे पहले आपने एक वाइड वी शेप्ड इंसीजन देना है एट द इन्फीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द फ्रीनल अटैचमेंट लाइक शोन इन द फिगर. उसके बाद उसको सुप्रा पेरिओस्टली डायसेक्ट कर लेना है. फिर हम क्या करते हैं, म्यूकस और फाइब्रस फ्रीनल अटैचमेंट्स को रिलीज़ कर लिया. अब म्यूकोजल मार्जन्स को पेरिओस्टियम के साथ सूचर कर देते हैं एट द डेप्थ ऑफ वेस्टिब्यूल, और जो पेरिओस्टियम एक्सपोज्ड है उसको सेकेंडरी हीलिंग के लिए छोड़ देते हैं. लास्ट वन इज़ लेज़र एक्सीजन, सुप्रा पेरिओस्टियल एब्लेशन ऑफ म्यूकोसल एंड डेंस फाइब्रस रीनल अटैचमेंट, और इसमें भी सेकेंडरी हीलिंग के लिए बाद में छोड़ देते हैं. सिंपल प्रोसीजर है ये तो. नेक्स्ट वन इज़ लिंगुअल फ्रेनेक्टमी विच इज़ डन इन द केसेज ऑफ टंग टाई एंड एक्सेट्रा. अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले बायोलैटरल लिंगुअल ब्लॉक देना है और इन्फिल्ट्रेशन इन दैट एरिया. फिर हम क्या करते हैं, ट्रैक्शन सूचर लेते हैं और उसको टिप ऑफ टंग से पास करके टिप ऑफ टंग को रिट्रैक्ट कर लेते हैं उससे. देन वी यूज़ अ हीमोस्टैट दैट इज़ यूज टू कंप्रेस द फ्रीनल एरिया फॉर 2 to 3 minutes. उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो रुक जाएगा कुछ देर के लिए वहाँ पे. अब फिर क्या करेंगे, हम सर्जिकली रिलीज़ कर देंगे, ट्रांसफर्स डायरेक्शन में हम फ्रीनल अटैचमेंट को रिलीज़ कर देंगे, और उसके बाद उस क्लोयर इन लीनियर डायरेक्शन कम्प्लीटली रिलीजेज इंटीरियर टांग, और उसको फिर हम लीनियर डायरेक्शन में क्लोज करेंगे तो इंटीरियर टांग जो है वो रिलीज़ हो जाएगी. इसकी इंडिकेशंस ये हैं कि हम इसको टंग टाई, स्पीच डिफेक्ट्स, डेंचर इंस्टेबिलिटी के केसेस में करते हैं, और कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं अंडर द टंग, एंड वहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट की ओपनिंग भी होती है, तो वो भी डैमेज हो सकती है, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस. एडवांस सर्जिकल प्रोसीजर, सबसे पहले ट्रांसपोजिशनल फ्लैप वेस्टिबुलर प्लास्टी जिसको लिप स्विच भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. यूक्यू भी है, प्रॉफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये होता क्या है, म्यूकोसल फ्लैप पेडिकल्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यूज एंड सूचर टू द डेप्थ ऑफ वेस्टिब्यूल. हम म्यूकोसल फ्लैप को डायसेक्ट करके उसको डेप्थ ऑफ वेस्टिब्यूल में सूचर कर देते हैं, और ये इसका पर्पज़ क्या है, टू इंक्रीज द वेस्टिब्यूलर डेप्थ. इंडिकेशंस ऑफ लिप स्विच, इंटीरियर मैंडिबुलर हाइट नॉर्मल होगी, लिंगुअल वेस्टिबुलर डेप्थ भी नॉर्मल होगी, लेकिन फेशियल वेस्टिबुलर डेप्थ जो है वो इनएडिक्वेट है बिकॉज ऑफ म्यूकोसल एंड मसल अटैचमेंट्स ऑन इंटीरियर मैंडिबल, वो थोड़ा हाई होंगे इसलिए वेस्टिबुलर डेप्थ जो है वो कम होगी. तो इस सिचुएशन में हम लिप स्विच प्रोसीजर करेंगे. एडवांटेज यही है कि मैंडिबुलर हाइट भी नॉर्मल है और वेस्टिबुलर डेप्थ भी हम इससे इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जिसकी वजह से डेंचर रिटेंशन और स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है. डिसएडवांटेजेस हैं कि रिलैप्सेस ऑफ वेस्टिबुलर डेप्थ, अनप्रेडिक्टेबल रिलैप्सेस, स्कारिंग हो सकती है वेस्टिबुलर डेप्थ में, और प्रॉब्लम्स इन अडेप्टेशन ऑफ द डेंचर इन द डेप्थ ऑफ वेस्टिब्यूल. अब इसमें प्रोसीजर है इंसीजन. सबसे पहले हम एक लेबियल म्यूकोसा पे इंसीजन देते हैं, वहाँ से थिन म्यूकोसल फ्लैप को हम डायसेक्ट करते हैं अंडरलाइंग टिश्यू से. फिर एक सुप्रा पेरिओस्टियल डायसेक्शन हम परफॉर्म करते हैं इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल पे. अब लेबियल जो म्यूकोसा है उसको हम डेप्थ ऑफ वेस्टिब्यूल में सूचर कर देते हैं, और एक्सपोज लेबियल टिश्यूज़ को सेकेंडरी इंटेंशन से हील होने के लिए छोड़ देते हैं. लिप स्विच की एक मॉडिफिकेशन ये है कि इंसाइजिंग द पेरिओस्टियम एट द क्रेस्ट ऑफ द रिज. फिर हम क्या करते हैं, फ्री पेरिओस्टियल एज को सूचर कर देते हैं डेन्यूडेड एरिया ऑफ लेबियल म्यूकोसा पे, और म्यूकोसल फ्लैप्स सूचर्ड ओवर द डेन्यूडेड बोन. उसको जो म्यूकोसल फ्लैप जो होता है उसको हम पेरिओस्टियल जंक्शन पे सूचर कर देते हैं एट द डेप्थ ऑफ वेस्टिब्यूल. नेक्स्ट हमारे पास एक टेक्निक है लेबियल वेस्टिबुलोप्लास्टी. ये हम तब करते हैं जब मसल अटैचमेंट जो है वो नियर द क्रेस्ट ऑफ द रिज हो, जिसकी वजह से वो इंटरफेयर करेगी विद द प्रोस्थेटिक अप्लायंस प्लेसमेंट एंड रिटेंशन. अब इसमें यह है कि सबसे पहले एक क्रेस्टल इंसीजन देते हैं, बकल और लिंगुअल फ्लैप्स को सुप्रा पेरिओस्टियली डायसेक्ट करते हैं. फिर हम सूचर्स पास करते हैं फ्लैप्स अलोंग द फ्लैप, सूचर्स पास करते हैं, और फिर उसको इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल के नीचे से सूचर कर देते हैं. इस तरह जो है वो फिर अब जो डेन्यूडेड एरिया ऊपर रह गया है जहाँ से हमने फ्लैप्स रेज किए थे उसके ऊपर हम ग्राफ्ट रखते हैं और उसको सर्कम मैंडिबुलर वायर से वहाँ पे जो है वो लगा देते हैं.
नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास सबमुकोसल वेस्टिबुलोप्लास्टी है। इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक टेस्ट करते हैं, माउथ मिरर प्लेस करते हैं अंडर द अपर लिप इन द वेस्टिब्यूल और लिप को एलिवेट करते हैं अगेंस्ट इंटीरियर मैक्सिला टू चेक द वेस्टिबुलर डेप्थ के पोस्ट ऑपरेटिव वेस्टिबुलर डेप्थ इतनी होगी जितनी हमें चाहिए। कोई एबनॉर्मल अगर वो हमें कैसे पता चलता है, अगर तो लिप एबनॉर्मली शॉर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि सफिशेंट डेप्थ नहीं है कि हम ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकें या फिर पोस्ट ऑप डेप्थ सफिशेंट नहीं होगी। और अगर एबनॉर्मल लिप शॉर्टनिंग नहीं है तो हम ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। अब इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलए देने के बाद मिडलाइन वर्टिकल इंसीजन एक देते हैं। अब उस वर्टिकल इंसीजन के दोनों साइड पे राइट एक जब आपने वर्टिकल इंसीजन दिया एक राइट साइड है उसकी लेफ्ट साइड है दोनों पे हम सब म्यूकोसल टनल क्रिएट कर लेंगे, मतलब सब म्यूकोसली टिश्यूज़ को डायसेक्ट कर लेंगे। अब दोनों लैटरल एस्पेक्ट्स पे अब थोड़ा सा लाइक उससे दूर लैटरल एस्पेक्ट्स पे हम एक इंसीजन दे के सुप्रा पेरियोस्टियल टनल क्रिएट करेंगे और फिर सुप्रा पेरियो जहाँ पे हमने लैटरल इंसीजन दिए हैं वहाँ से लेकर जो सब म्यूकोस जो मिडलाइन इंसीजन है वर्टिकल इंसीजन जो है वहाँ से हम सब म्यूकोसल टिश्यूज़ को सारा डायसेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर स्प्लिंट प्लेस कर देंगे फॉर 5 to 7 डेज टू होल्ड द टिश्यूज़ एट द डेप्थ ऑफ द वेस्टिब्यूल।